अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू चैनल कुक विद फिम। जब भी हम हैदराबादी शादी या फंक्शंस में जाते हैं तब बिरयानी के साथ एक बहुत ही मज़ेदार बघारे बैगन का सालन सर्व किया जाता है और हम सोचते हैं कि काश हम ये सालन घर पर भी बना सकें। तो आज आप लोगों के लिए शादियों से भी ज़्यादा मज़ेदार दम के बघारे बैगन का सालन लेके आई हूँ। स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो कीजिए, बहुत आसान रेसिपी है, आप लोग घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाना शुरू करते हैं। दम के बघारे बैंगन बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए आधा किलो बैंगन। इन्हें देखिए इस तरह से कट करके रेडी रख लें, यहां से कट करिए और यहां से अच्छे से चेक कर लें। कभी कभी इसमें कीड़ भी होता है, ये तो अच्छा है। देखिए इस तरह से सभी बैंगन कट कर लें और इसे पानी में ही रखिए। इस रेसिपी का हम अब नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। इसके लिए एक पैन या कढ़ाही गरम कर लें। कढ़ाही अच्छे से गरम होने के बाद इसमें डालिए 4 टेबलस्पून 70 ग्राम यानी 70 ग्राम मूंगफली। इसे अच्छे से भूनिए हाई फ्लेम पे। इस तरह से इन्हें अच्छे से भूनने के बाद एक प्लेट में निकाल लें। अब नेक्स्ट इसमें डालिए 5 टेबलस्पून 60 ग्राम तिल। इसे भी हाई फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट करिए रंग बदलने तक। बस एक 30 सेकेंड से 1 मिनट ही लगेगा इन्हें रोस्ट करने के लिए। इन्हें भी निकाल लें। नेक्स्ट कढ़ाई में डालिए 6 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर यानी नारियल का सूखा पाउडर। इसे भी अच्छे से भून लें। ये 50 ग्राम है। इस तरह से पाउडर ना हो तो नारियल के जो सूखे पीसेस होते हैं वो भी आप ले सकते हैं 50 ग्राम। इस तरह से रंग बदलने तक भूनिए। इसे फ्लेम लो पे रखिए, फ्लेम हाई पे मत रखिए वरना जल जाएगा। बस इतना काफी है। नेक्स्ट कढ़ाई में डालिए 1 टीस्पून जीरा 2 टीस्पून धनिया। इसी के साथ खसखस डाल दें। खसखस 2 टेबलस्पून है 20 ग्राम। खसखस यानी पॉपी सीड्स, ये ना हो तो स्किप कर दें। इसे भी अच्छे से भून लें। मीडियम फ्लेम पे भूनिए 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक, जलाइए मत। इन्हें अब ठंडा होने के लिए रख दें। 60 ग्राम यानी 60 ग्राम इमली पानी में भीगने रख दें 15 मिनट से आधे घंटे तक। इस तरह से सॉफ्ट हो जाएगी ये। इसे मैश कर लें। अब मैश करके छान लें। देखिए इमली का पानी तो रेडी है। मिक्सर के जार में रोस्ट किए हुए सभी इंग्रेडिएंट्स डाल दें और इसी के साथ एक मीडियम से थोड़े बड़े से इसकी प्याज को डीप फ्राई करके डाल दें। प्याज का वजन 80 ग्राम यानी 80 ग्राम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट शेयर कर दूंगी। इसी में 4 हरी मिर्च और थोड़े से धनिया के पत्ते डाल दें। अभी मिक्सी के जार में थोड़ा सा इमली का पानी डाल के पीस लें। पानी मत डालिए, इमली का पानी ही डालिए, नॉर्मल वाटर ना डालें। ज्यादा पतला ना करें, इसे पीस लें। पिसा हुआ पेस्ट अब रेडी है। देखिए इस तरह से पीस लें। बैंगन को अच्छे से पोंछ के ये मसाले की फिलिंग कर लें इसमें। इस तरह से देखिए इस तरह से कर लें फिलिंग। मसाला फिल किए हुए बैंगन तो रेडी है। नेक्स्ट एक वेजल गरम कर लें। इसमें 1/2 कप तेल डालिए। इसमें तेल ज्यादा लगता है। तेल अच्छे से गरम होने के बाद इसमें डालिए 1 टीस्पून जीरा, राई 1 टीस्पून, थोड़ी सी मेथी 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून कलौंजी। हल्का सा फ्राई कर लें। थोड़े से करी पत्ता 4 से 5 हरी मिर्च फ्राई करिए हल्का सा। इसी में हम 5 टमाटर डाल देते हैं। इस तरह से काट के डालिए।
हाई फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए टमाटर फ्राई कर लें, ज्यादा फ्राई ना करें। एक से दो मिनट के लिए टमाटर फ्राई करने के बाद इन्हें एक प्लेट में निकाल कर रखना है। नेक्स्ट इसमें 3 टीस्पून अदरक लहसुन का फ्रेश पेस्ट डालिए और अच्छे से भूनिए। चार से पांच क्रश किए हुए लहसुन के कलियां डाल दें। इसी के साथ इसमें 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून नमक डाल दें। फ्लेम को लो पे रख के डालिए, भून लें। थोड़ी देर के लिए भूनिए इसे। अब नेक्स्ट इसमें ये बैंगन डाल दें। ये बैंगन डालने के बाद थोड़ा सा साइड से इमली का पानी डाल दें ताकि मसाले ना गले। थोड़ा डालिए, ज्यादा नहीं। बैंगन डालने के बाद ये मसाला डाल दें। साइड्स में रख देंगे। आप चाहें तो ये मसाला डालने से पहले बैंगन थोड़ा सा फ्राई कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा फ्राई ना करें वरना जो मसाले अंदर हैं वो निकल जाएंगे। फिर से साइड से थोड़ा सा इमली का पानी डाल दें इसमें। फ्लेम को लो पे ही रखिए, इसके ऊपर लिड बंद कर दें और लो फ्लेम पे इसे 10 मिनट के लिए पकने दें। आप चाहे तो बीच बीच में चेक कर सकते हैं, स्पून मत डालिए, बस एक कपड़े की मदद से हल्का सा इस तरह से हिलाइए। क्योंकि ये दम के बगारे बैंगन है, लो फ्लेम पे दम में ही पकेंगे। दस मिनट अच्छे से दम पे पकाने के बाद इमली के पल्प में 1 ग्लास पानी मिक्स करके इसमें डाल दें। धीरे से मिक्स करिए। अगर जरूरत पड़ी तो और थोड़ा सा पानी आप डाल सकते हैं। 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाइए, उसके बाद फ्लेम को लो पे रख के लिड बंद करके लो फ्लेम पे ही पकाना है बैंगन अच्छे से गलने तक। हम इसमें और थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। बैंगन तो हमारे ऑलमोस्ट गल चुके हैं, आखिर में इसमें फ्राई किए हुए टमाटर भी डाल दें और इसी के साथ गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून डालिए। हैदराबादी स्पेशल गरम मसाला पाउडर है। थोड़े से धनिया के पत्ते डाल दें, मिक्स करिए। अगर आपको हैदराबादी स्पेशल गरम मसाला पाउडर का वीडियो चाहिए तो जस्ट टाइप करें हैदराबादी गरम मसाला पाउडर बाय कुक विद फेम, आपको वीडियो मिल जाएगा। यह लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगी। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर से फ्लेम को लो पे रखिए 4 से 5 मिनट के लिए, तेल फिर से साइड्स में नजर आने तक। बहुत ही खुशबूदार, जबरदस्त, मजेदार दम के बगारे बैंगन तो हमारे रेडी हैं। आप लोग जरूर ट्राई करें। कमेंट में बताएं रेसिपी आपको कैसी लगी। लाइक करें, वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो के लिंक को शेयर करना ना भूलें और इसी के साथ चैनल कुक विद फेम भी सब्सक्राइब कर लें, तभी नोटिफिकेशन आएंगे।